तो चाय के बिना हमारी शाम जैसे फीका पकवान। तो मैं लग जाता हूँ चाय बनाने के लिए। जान दे देंगे इसके लिए। चाय बनाकर हम दोनों आ जाते हैं बाहर, जहाँ होने लगती है बारिश। तो हम दोनों पैक कराते हैं अपने लिए कबाब पराठा, जिसका आनंद उठाते हैं हम दोनों क्रॉसिंग पर आकर, क्योंकि वो हमेशा की तरह हमें फिर से बंदी मिलती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हमारे पड़ोस के अंकल के हाथ में हो गया फ्रैक्चर। तो रात को 11 बजे में और मेरा दोस्त दोनों जरूरी सामान और खाना लेकर पहुंच जाते हैं अंकल की पेट पूजा कराने हॉस्पिटल, जहां का नजारा देखकर तो अंकल की पेट पूजा कराकर और अपने पेट की आवाज़ सुनकर हम दोनों आ जाते हैं बाहर, जहां हमें मिलते हैं ये खस्ते वाले भैया।